शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मिटने वालों का बस यही निशा होगा, वतन पे मर मिटने वालों का बस यही। सिक्किम में शहीद जवान शिव के गुज्जर पंचतत्व में विलीन हुए, सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। 3 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। सिक्किम में बादल फटने की घटना में करौली के नादोती के रलावता खेड़ला गांव के जवान शिवकेश गुज्जर शहीद हो गए थे। जवान का आज पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद 3 वर्ष के बेटे रुद्र ने शहीद को मुखाग्नि दी। माहौल गमगीन हो गया। इससे पहले पार्थिव देह गांव पहुंचते ही शिवकेश अमर रहे के नारों से क्षेत्र गूंज उठा। गांव के मुख्य गेट से 1 किलोमीटर तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। वहीं गांव से 1 किलोमीटर दूर राजीव गांधी आईटी केंद्र के पास शहीद के खेत में अंतिम संस्कार किया गया। शिवकेश के शहीद होने की सूचना मिलने पर वीरांगना कृष्णा देवी समेत अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। शहीद शिवकेश के अलावा एक छोटा भाई है। छोटा भाई अजीत भी सेना में जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। शहीद के पिता हवलदार लेखराज पूर्व सैनिक हैं। इनके 3 बहनें हैं जिन सभी की शादी हो चुकी है। साथ ही एक 3 साल का बेटा रुद्र है। शिवकेश गुज्जर सेना की 420 आर्मी मेडिकल कोर MSC लखनऊ में वर्ष 2018 में भर्ती हुए थे। शिवकेश से मंगलवार रात परिजनों की फ़ोन पर बात भी हुई थी। शहीद के चचेरे भाई रमेश चंद गुज्जर ने बताया कि 3 अक्टूबर की रात को बादल फटने से अचानक आए पानी के तेज बहाव में सेना की गाड़ी में बैठे शिवकेश समेत अन्य जवान बह गए। रमेश ने बताया कि उनके भाई शिवकेश का शव सिक्किम से करीब 600 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा के पास मिला है। जिला सैनिक अधिकारी आलोक शाह ने कहा कि हादसा सिक्किम में हुआ था। सैनिक की पार्थिव देह भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मिली है। पार्थिव देह नदी से बहती हुई नीचे आ गई जो कि बांग्लादेश बॉर्डर पर मिली। गाँव से 1 किलोमीटर दूर खेत में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बता दें कि शहीद जवान को सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि शहीद जवान का तिरंगे में लिपट कर पार्थिव देह आज सेना के विशेष वाहन से सड़क मार्ग होते हुए उनके पैतृक गांव पहुंचा। बता दें कि शहीद जवान शिवकेश गुज्जर जो कि भारतीय सेना में 2018 से सेवाएं दे रहे हैं वर्तमान में सिक्किम में तैनात थे और भारतीय सेना की 420 आर्मी मेडिकल कोर में वे मां भारती की रक्षा कर रहे थे। सिक्किम में हुए हादसे में वे मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। जैसे ही शहीद जवान का पार्थिव देह तिरंगे में लिपट कर घर पहुंचा तो घर में चीख पुकार मच गई। वहीं गांव का माहौल देशभक्तिमय हो गया। भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा तो शहीद शिवकेश अमर रहे के नारों से आसमान गुंजायमान हो गया। बता दें कि शिवकेश के शहीद होने की सूचना मिलने पर वीरांगना पत्नी कृष्णा देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अंतिम दर्शन के दौरान कृष्णा बार बार बेहोश हो गई। सिक्किम में शहीद हुए राजस्थान के करौली जिले के नादोती उपखंड के गांव रलावता खेड़ला के रहने वाले भारतीय सेना के जवान शिवकेश गुज्जर आज पंचतत्व में विलीन हुए हैं। राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंची जहां 3 साल के बेटे रुद्र ने मुखाग्नि दी तो माहौल गमगीन हो गया। भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवान शिवकेश गुज्जर के शिव चरणों में अपर असम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कोटि कोटि नमन करता है और उनके अदम्य साहस को सलाम करता है जिन्होंने अपने घर परिवार की चिंता को छोड़कर देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है।